सब्सक्राइब कीजिए मूवी स्टॉक को और बेल आइकन दबाए ताकि इससे रिलेटेड कोई भी डिटेल्स आप मिस ना कर सके। हेलो फ्रेंड्स, तो हम आज बात करने वाले हैं ब्लैक पैंथर के पोस्टर के बारे में। तो क्या है वो, चलिए देखते हैं। सो फ्रेंड्स, सबको पता है कि ब्लैक पैंथर का सबसे पहला पोस्टर ये था। उसके बाद ये पोस्टर आया था जिसमें हमें सभी कैरेक्टर साथ में नजर आते हैं। वेल, इस पोस्टर को इस फिल्म के ट्रेलर के साथ में रिलीज किया गया था। इस पोस्टर के नीचे अगर हम देखें तो हमें वकांडा सिटी नजर आती है और उसके साइड में दो ब्लैक पैंथर के स्टैचू, जिसे हमने कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर के एंडिंग क्रेडिट सीन में देखा था। उसके बाद फिर से आ जाते हैं इस इमेज पर। ये इमेज सबसे पहले आई थी टीजर के साथ। वेल, इस इमेज में हमारा ब्लैक पैंथर एक चेयर पे बैठा हुआ नजर आता है, जिसका मतलब ये है कि अब वो वकांडा का नया राजा है। साथ ही साथ अब चेयर पर क्या लिखा है, कोई लोग ये कह रहे हैं कि उसका मतलब ये है कि इस गद्दी का असली राजा, तो शायद उसका मतलब वही होगा। और पीछे की तरफ हम वही स्टैचू देखते हैं जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया। और साथ ही साथ इस पोस्टर में सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है वो ये है, वेल, कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि ये सोल स्टोन है। तो अगर ये सोल स्टोन है तो MCU ने उसे सीधा सीधा इस पोस्टर में क्यों दिखा दिया? सबसे बड़ा पॉइंट तो यही उठता है। तो आपकी क्या राय है इस चीज को लेकर, क्या ये सोल स्टोन ही है? क्योंकि कलर भी इसका वैसा ही है, तो हम और नहीं है कि ये सच में सोल स्टोन होगा। लेकिन अब थॉर रैग्नारोक फिल्म में तो स्टोन को हटा दिया गया है, ये बात टाइका वाइटिटी ने खुद बताई थी और उसका रीजन भी उन्होंने बताया था। तो अब बची सिर्फ और सिर्फ ब्लैक पैंथर मूवी। तो ये कंफर्म है कि इसी फिल्म में सोल स्टोन होगा, क्योंकि अगर इस फिल्म में अगर सोल स्टोन देखने नहीं मिला तो इन्फिनिटी वॉर की स्टोरी तो सभी को पता है। और केविन फ्रैगी ने ये भी कंफर्म कर दिया है कि वो स्टोरी सिर्फ और सिर्फ इसी चीज पर बेस्ड है कि थैनोस उस फिल्म में सिर्फ और सिर्फ डकैती करने आएगा, यानी वो इस फिल्म में सिर्फ और सिर्फ इन्फिनिटी स्टोन को ही ढूंढेगा। तो इससे ये साफ हो जाता है कि हमें सोल स्टोन ब्लैक पैंथर मूवी में ही देखने मिलने वाला है। और उसके बाद आई थी सभी कैरेक्टर्स की इमेज, जिसे सभी एक्टर्स ने अपने अपने ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट किया था। तो ये बात MCU की मुझे काफी पसंद आई और ये चीज काफी हटकर थी, क्योंकि इस इमेज में हम सभी एक्टर का एक सिंगल पोस्टर देख सकते हैं, जैसे कि तचाला, एरिक किलमोंगर, नाकिया, ओकियो, काबी, क्लॉ, सूरी, केरोस, सूरी और एम्बाकू। मुझे इन सब कैरेक्टर इमेज में तचाला की इमेज काफी पसंद आई, क्योंकि उस इमेज में हम तचाला के कॉस्ट्यूम की डिटेल बिल्कुल ही क्लोज से देख सकते हैं, खास करके उसके हाथ, वो मुझे काफी पसंद आए। इसी हाथ से वो उस ट्रेलर में उस कार के व्हील निकाल देता है। और दूसरी इमेज मुझे सूरी की पसंद आई, वो उस इमेज में अपने सिग्नेचर वेपन के साथ है। और इस इमेज में हम क्लॉ का वो बायोनिक हैंड भी देख सकते हैं, जिसके आर्म में से गन निकलती है। बाकी सब इमेज ठीक ठाक है। वेल, तो आपकी क्या राय है इस इमेज को लेकर, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। टिल देन, बाय।